हे वेलकम गाइज, आपका फिर से स्वागत है आपके चैनल काइट लवर के बीच में। तो गाइज, मैं काफ़ी दिनों से आपके कमेंट्स को रीड कर रहा था और उसमें काफ़ी लोगों ने कमेंट किया कि सर, एक जो मैंने जैसे चैलेंज की वीडियोस बनाई थी तो एक चैलेंज दिया था कि सर आप 5 पतंगे जो आपने होममेड बनाई है वो उड़ाइए। ये देखिए होममेड काइट्स हैं जो मैंने 5 पतंगे बनाई थी, और 5 पतंगे जो बाज़ार में बिकती हैं वो वाली काइट्स, इन दोनों को उड़ाइए और उनकी काइट फाइटिंग कीजिए। तो आज सेम वीडियो में ये बनाने जा रहा हूँ, 5 होममेड काइट्स पतंगे हैं और 5 जो मार्केट से खरीदे हुए पतंगे हैं। और जो हमारी डोर है गाइज, आप देख सकते हैं ये डोर और ये डोर, ये पांडा डोर है, सिंपल डोर पांडा डोर है, दोनों की ही नो कोड की पांडा डोर है। तो चलिए देखते हैं पहले मेरी पतंगे कटती हैं या ये कितनी पतंगे काट पाती है, और ये तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। चल भाई जा उधर छत पर जा भाई अपनी। तो गाइज हम उड़ा रहे हैं अब काली वाली, हमारी ब्लैक वाली जो हमारी काइट है इसको उड़ाते हैं सबसे पहले। तो हम तो देखिए होममेड काइट्स किस तरह से उड़ती हैं, और सबसे पहले मैं झाप निकाल लेता हूँ यहाँ पर। और देखिए ओपोनेंट की काइट उड़ चुकी है यहाँ पर, पांडा डोर से मैं यहाँ पर उड़ा रहा हूँ। देख पा रहे होंगे आप होममेड काइट कितनी बढ़िया यहाँ पर उड़ रही है। थोड़ी मैं बता लूँ पहले, फिर आगे से पेच लड़ाऊंगा। देख सकते हैं आप गाइस यहाँ पर काइट कितने बढ़िया से। सबसे पहले तो हमें आगे पतंग को बढ़ाना होगा, और देखिए कितनी शुद्ध है यहाँ पर ये पतंग। थोड़ी पहले मैं आगे की तरफ बढ़ा लेता हूँ, और फिर मेरा जो खींच या ढील रहेगा सबसे पहले पतंग के कन्नों के ऊपर से निकाल के मैं ढील देने की कोशिश करूंगा यहाँ पर, जो मैं आपको बताता हूँ भाई ढील के पेंच में हमेशा कीरी आप। तो मैंने बहुत आगे बढ़ा लिया, अब मैं निकालता हूँ उसके कन्नों के यहाँ पर। पेंच अभी नहीं लगा यहाँ पर गाइस, थोड़ा मैं और बढ़ा लेता हूँ इसको आगे। बस देख सकते हैं आप कितना अच्छा खींच लग रहा है इस काइट का। आओ भाई आओ लगाओ। देखा मैंने निकाल लिया है यहाँ पर, ये लेके आए और मैंने ढील दी बाले। गाइस लगता ही हमने काट दी है मास्टर कन्नों के। मैं इसको फंसाने की कोशिश करता हूँ यहाँ पर। ओ टूट गई साली, मेरी भी यहाँ पर कट चुकी है पतंग, टूट चुकी है गाइज यहाँ पर उसके फंसाने के चक्कर में। आपने देखो उसके फंसाने के चक्कर मेरी भी पतंग टूट चुकी है। अब मैं उड़ाता हूँ दूसरी पतंग, लेकिन हमने पहली पतंग काट ली है और उसके भी चलो देखते हैं, इंतजार करते हो दूसरी पतंग कब उड़ाते, और हम भी दूसरी पतंग के लिए तैयार करते हैं। देखिए दोनों को भी फंसाने के चक्कर में मेरी पतंग टूट गई, बाकी मैंने पतंग काट दी है यहाँ पर। चलिए मैं दूसरी पतंग उड़ाता हूँ अपनी। तो गाइज देखा आपने, पहली पतंग मेरी फंसाने के चक्कर में, दूसरी पतंग को लपेटने के चक्कर में ही टूट गई वहां पर। तो चलिए मैं दूसरी पतंग को अपनी उड़ाता हूँ। ओपोनेंट ने भी दूसरी पतंग उड़ा ली है। सबसे पहले मैं थोड़ा झाप निकाल लेता हूँ यहाँ पर। तो चलिए अब मैं इसको उड़ाता हूँ। ये भी काफी अच्छी उड़ रही है यहाँ पर, ओपोनेंट भी बिल्कुल सिर के ऊपर ही हमारी पतंग लेके लहरा रहा है। अभी थोड़ी सी काइट के बीच में यहाँ पर एक प्रॉब्लम आ रही है, मुझे टेप लगानी पड़ेगी यहाँ पर हल्की सी, क्योंकि जब मैं इसको उड़ा रहा हूँ तो आप देख पा रहे होंगे जो तिल्ला है ये बाहर की तरफ निकल रहा है, थोड़ा मुझे यहाँ पर टेप लगानी होगी। तो पहले मैं यहाँ पर टेप लगा देता हूँ। तो देखिए गाइज यहाँ से ये तिल्ला थोड़ा बाहर निकला हुआ था, मैं यहाँ पर टेप लगा देता हूँ। ये देखिए अभी तिल्ला आप देख सकते हो साइड में, तो मैंने इस तरह से यहाँ पर टेप लगाई और ये हो चुके परफेक्ट। तो चलिए अब हम इसको उड़ा देते हैं हवा में। तो ये जो काफी भारी सी पतंग लग रही है मुझे और पतंगों के मुकाबले, जो मैंने पहले ब्लैक कलर की बनाई थी पतंग, काफी शुद्ध पतंग थी वो, लेकिन वो इतनी भारी नहीं थी, और ये थोड़ी सी भारी लग रही है, क्योंकि ये जो जिस पन्नी से बनी है वो पन्नी वो है जो हम कपड़े कुपड़े पैक करा के लाते हैं जिस पन्नी में,
लेकिन अब ये हवा में लग चुकी है, आप देखिए कितनी लहरा रही है, देखिए कितनी अच्छी लग रही है। कोई बोलेगा ना इसको दूर से उड़ने के बाद भाई ये होममेड काइट होगी, ये देखिए। हाँ भाई रेडी है, रेडी। अरे पूछ लेते हैं ना गाइस, कभी फिर बोले भाई धोखे से काट दी। रेडी है भाई, रुको। अच्छा ठीक है, अभी हम नीचे रखते हैं अपनी पतंग को फिर। ये बड़ी प्रॉब्लम है यहाँ पर चैलेंज वीडियो के बीच में। आओ भाई लड़ाओ, देखते हैं तुम्हारा पेच, आओ देखते हैं गाइस। अब काफी ऊंचे ले गए ये तो हवा में। कोई बात नहीं, हम भी थोड़े से आगे की तरफ ले जाएंगे अपनी पतंग को, आने देंगे इनको। आओ नीचे आने के इंतजार करेंगे इनकी काइट का, फिर या तो उल्टा खींच रखेंगे। ओ हमारी कट चुकी है यहाँ पर पतंग गाइस, देख सकते हैं हमारी पतंग कट चुकी है, उन्होंने खींच मार दिया अब की बार, और हमारे पास कोई मौका नहीं क्योंकि हमारी थोड़ी हल्की पतंग थी और उनके खींच के भाव के साथ उड़ती चली गई। और आप देख सकते हो वो गई हमारी पतंग जीटी रोड पार जाएगी, ये साइड में जीटी रोड है यहाँ पर, और वो पेड़ों में फंस चुकी है उसकी डोरें। कोई बात नहीं, तो गाइस हम दूसरी पतंग को उड़ाते हैं अब। अब हम ट्राई करते हैं सबसे छुटकी सी पतंग को, वो बड़ी वाली पतंग बाद में उड़ाएंगे, देखो छुटकी सी पतंग को ट्राई करते हैं हम सबसे छोटी सी, क्योंकि मैं भी खींच मारूंगा अब की बार। ये छोटी सी पतंग खींच मारने बहुत ही मस्त और बहुत अच्छी होती है, क्योंकि छोटी सी पतंग होती है जहाँ मर्जी लहरा ले इसको। तो चलिए अब इसका थोड़ा सा झाँप निकाल लेते हैं पहले हम, और अब इसको उड़ाते हैं। अभी उन्होंने काट दी, काफी खुश हो रहे हैं वो हमारी पतंग काट के। इसका झाप थोड़ा और निकालना पड़ेगा क्योंकि ये काफी छोटी है साइज में, तो इसका झाप थोड़ा और निकालना पड़ेगा यहाँ पर। अब सफिशियंट है यहाँ पर, देख सकते हैं अब छोटी सी काइट कितनी अच्छी उड़ रही है यहाँ पर, छोटी सी देखिए छोटी सी काइट कितनी मस्त तरीके से उड़ रही है यहाँ पर। और काफी लोग कमेंट करते हैं कि ये छोटी छोटी काइट जो आप बनाते हैं ये उड़ती है कि नहीं, आप देख सकते हैं अब लाइव यहाँ पर किस तरह से छोटी काइट उड़ रही है। अरे आओ भाई लगाओ, अब कहाँ डर रहे हो, आओ आओ, हमने उनको बोल दिया है लगाओ पेंच, अब देखते हैं हवा में कर लेते हैं हम भी अपनी पतंग को थोड़ा। खींच देखिए छोटी सी पतंग का, देखिए कितना बढ़िया खींच लग रहा है, देखिए छोटी सी पतंग के साथ ही, ये देखो लो। अब के बार बचा लिया हमने, आए थे वो भी खींच मारने के लिए। बच गए, निकाल ले गए वो। अब बोले देखा गाइस छोटी सी पतंग ने कितना कमाल कर दिया, खींच मारने आया लगते ही काट दिया यहाँ पर। मैंने बोला था छोटी छोटी काइटें बहुत खतरनाक होती है, देखिए खींच देखिए छोटी सी पतंग का कितना मस्त खींच लग रहा है, और वो गई एक और जीटी रोड पार काइट फिर से, वो फिर से पेड़ में फंस गई है यहाँ पर। चलो भाई अगली उड़ाओ, देखिए गाइस छोटी सी पतंग ने छुटका से पतंग और कितना कमाल कर दिया, क्योंकि छोटी सी पतंग जरूर बनाई है मैंने लेकिन थोड़ी भारी बनाई हुई है, देखिए खींच देखिए और इसका कितना अच्छा लगता है, देखो जहां मर्जी निकाल लो, ये देखो एक जगह अटकाई हुई है ये। चलो भाई उड़ाओ दूसरी, तब तक हम इंतजार करेंगे गाइस दूसरी उनकी पतंग उड़ने का, अगली नंबर थर्ड की पतंग उड़ेगी। दो पतंगे हम उनकी काट चुके हैं, एक हमारी कट चुकी है यहाँ पर, तो गाइस उन्होंने एक और पतंग उड़ा ली, अब नंबर थर्ड की पतंग है वो उनकी। दो पतंग हम उनके काट चुके हैं ऑलरेडी और एक कटवा भी चुके हैं यहाँ पर,
देखिए छोटी सी पतंग कितनी मस्त है यहाँ पर, देखिए कितनी बढ़िया लग रही है यहाँ पर छोटी सी पतंग। अब की बार मैं इनके कन्नों के ऊपर मतलब उल्टा खींच के ट्राई करूंगा यहाँ पर, अगर उन्होंने मौका दिया तो उल्टे खींच के यहाँ पर मैं ट्राई करूंगा। देखिए काफी आगे बढ़ा रहे हैं, इसका मतलब फिर से खींच मारने के लिए आएंगे और हमें तैयार रहना होगा क्योंकि वो काफी आगे बढ़ा चुके हैं हमसे और हवा में भी काफी ले गए हैं वो। देख काफी ऊंचे ले गए हैं हवा में भी वो हमसे। लो हम भी उनके पास ही ले जाते हैं फिर हवा में, उनका थोड़ा सा ध्यान भटकाते ताकि उनको दिखाते हैं भाई हम हवा में ही पेंच लगाएंगे अब की बार, लेकिन हम हवा में पेंच नहीं लगाएंगे यहाँ पर, थोड़ी सी नीचे लाके पेंच लगाएंगे। क्योंकि हवा में पेंच लगाएंगे तो वो बात नहीं रहती जो हवा में है। बोले तो गाइज यहां पर हमने काट दी है, लेकिन इनके बीच में फंसाने की कोशिश करते हैं फिर से यहां पर। ओ यहां पर छूट चुकी है इनकी डोरें शायद, जी हाँ फिर से जिट रोड पा रहे एक और पतंग उनकी, वो देखिए फंस के किस तरह से पेड़ में भी उड़ चुकी है वो पतंग, वो देखिए पेड़ में आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरह से उड़ चुकी है वो पतंग इनकी। देखा छोटी सी पतंग ने कितना कमाल कर दिया यहाँ पर, छोटी सी पतंग और कितना बड़ा धमाका कर दिया ये, यानी छोटा बम बड़ा धमाका वो बात कर दिया इस पतंग ने। दो पतंगे उनकी काट चुके अपोनेंट की, अब टोटल तीन पतंगे हम काट चुके, हमारी एक पतंग कटी अभी तक। फिर से इंतजार करते हैं उनकी चौथी पतंग का, चलो उड़ा। तो गाइज उन्होंने एक और पतंग अपनी चौथी पतंग लेके आ गए हैं, अब की बार हम उनकी पतंग को उल्टा खींच रखते हैं उनकी पतंग को उड़ाने से पहले। और ये क्वेश्चन काफी पूछते हैं भाई अगर सिर के ऊपर से पतंग उड़े तो क्या करें, तो दो ही ऑप्शन है, या तो ऊपर आप ऊपर से कन्ने पर रख के ढील दे दो या फिर खींच मार दो। इस केस में मैं ऊपर रख के ढील नहीं दूंगा बल्कि नीचे से ही खींच लूंगा छोटी पतंग के साथ। बोले कितने बढ़िया, देखा आपने किस तरह से मैंने खींच मारा और किस तरह से डोरों पे पतंग काट दी है उनकी और वहां पर पतंग जा रही है। छोटी सी पतंग ने तीन पतंगे काट दिए गाइस, उनकी तीन पतंगे। देखिए यहाँ पर किस तरह से वो पतंग फिर से एक और जिट रोड पार गई, अब ये पतंग फिर से जिट रोड पार, एक और पतंग उनकी, यानी हम पांच में से उनकी चार पतंग अब काट चुके और हमारी कटिया मात्र एक पतंग, सिर्फ एक पतंग हमारी कटी है। और बल्कि पांडा पांडा डोरा दोनों की, तब भी खींच भी मार रहा, हालांकि उन्होंने खींच मार के हमारी पतंग काटी लेकिन अब हम खींच मारने का मौका ही नहीं दे रहे हैं। और दूसरी छोटी सी पतंग ने तबाही मचाई हुई यहाँ पर, तीन पतंगे अकेली ने ही काट दी, तो लास्ट पतंग उनके पास बची है पांचवीं। अरे उड़ा ले यार। तो गाइस देखिए उन्होंने पांचवीं पतंग उड़ाई थी मात्र और उनकी टूट के जा चुकी है नीचे, आप देख सकते हैं नीचे वो रही, वहां पर पतंग आपको दिख रही होगी, जूम करके थोड़ा दिखाते हैं आपको, तो आप पतंग को देख सकते हैं नीचे। और ये चार मंजिली यहाँ पर है, अब नीचे जाएंगे उठा के लाएंगे, इतना टाइम लग जाएगा। मैंने उनको बोल ही दिया वैसे भी यार पांचवी पतंग कटी ले जाएगी आपकी तो क्या फायदा। तो गाइस छोटी सी पतंग ने देखा कितना बड़ा धमाका किया है यहाँ पर, तो आपने देखा गाइस छोटी सी पतंग और तीन पतंगे तो ऑलरेडी ये काट चुकी थी, चौथी भी अभी काट सकते थे हम क्योंकि हमें यकीन था भाई ये पतंग काट देगी चौथी भी। और ओवरऑल देखा जाए तो हम 4-1 से हमारा स्कोर रहा है, एक पतंग उनकी नीचे वहां पर टूट के गिर चुकी है, 4-1 से हमारा स्कोर रहा है। एक पतंग मेरी कटी है, वो भी कटी नहीं है, वो भी क्या की है, एक पतंग सिर्फ खींच में कटी और बाकी जो दूसरी थी वो हम लपेटने के चक्कर में हमारी पतंग गई है वहां पर। और ये छोटी सी पतंग ने जिसने तीन पतंगे काटी हैं देख सकते हैं यहाँ पर। तो गाइज इसको भरपूर लाइक कीजिए इस वीडियो को, मैं यहाँ पर लाइक एम रखता हूँ इसका, कम से कम एटलीस्ट 500 लाइक्स का यहाँ पर एम रखता हूँ। और मुझे पता है आप लाइक्स यहाँ पर 500 कर दोगे, कोई ज़्यादा नहीं है क्योंकि आमतौर पे आप 300-400 लाइक तो करते हो, तो 500 लाइक करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर से मैं स्टार्ट नए वीडियो लेके आऊँगा एक नया चैलेंज के लिए, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विद अस, थैंक्स, थैंक यू काइट लवर फैमिली।